बिहार सरकार 162 करोड़ रुपए के पेंशन घोटाले में संलिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शने के मूड में नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बिशंबर बाल्मीकि ने साफ कर दिया है कि जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि 162 करोड़ के पेंशन घोटाले में जिला स्तर के अधिकारी शामिल हैं और विभाग से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ब्यौरा मांगा गया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच पाए, उन्हें मिल पाए। सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसको लेकर बिशंबर बाल्मीकि से खास बातचीत हुई है, सुश्री एडिटर अनिल कुमार ने की, आपको दिखा रहे हैं। एक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बिशंबर बाल्मीकि ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए इस समय साथ हैं बिशंबर बाल्मीकि, इनसे जानते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए। देखिए, हमने कल प्रिंटिंग प्रेस से खेमका जी को बुलाया था, उसके साथ और भी अधिकारी लोग आए थे और उसके बारे में हमें विभाग से जानकारियां मांगी हैं और इसके साथ साथ सोशल जस्टिस से अपने मैडम असीमा बराड़ जी को बुलाया था, उससे भी हमने पूरे विभाग से अलग अलग स्कीमों के बारे में ब्यौरा मांगा है और हम वो सारी चीज स्कीमें योजनाएं जितने भी हैं केंद्र की हैं सरकार की हैं सभी को देखते हुए और उनका अच्छे ढंग से अध्ययन करते हुए उनको आगे हम इम्प्लीमेंट करें और गरीब से गरीब आदमी को उसका लाभ मिले वहां तक हम जाएंगे। मंत्री जी, पेंशन घोटाले में अभी तक आपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जो इस मामले में संलिप्त है? देखिए, हमारे सामने जो भी किसी तरह का भी घोटाला आएगा, कोई हो चाहे पेंशन घोटाला हो कोई और मेरे विभाग से संबंधित कोई भी घोटाला आएगा तो कोई भी अधिकारी मेरी कलम से बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, कितने करोड़ का पेंशन घोटाला हुआ है और ये कब का है? देखिए, 2012 का सुनने में आया है कि 162 करोड़ का जो घोटाला जिसमें जिला स्तर के अधिकारी उसमें शामिल हैं, तो हम इसकी जांच करवाएंगे, फाइल पर जो हमने विभाग से मांगेंगे इसकी रिपोर्ट क्या है और उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? कई ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में आए हैं, उनको तुरंत ही टिकट दे दी गई है। देखिए, हमारे पास सभी 10 के 10 कैंडिडेट जीतने वाले हैं और सभी 10 के 10 लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने पूछा दूसरा सवाल, जीतने वाले योग्य व्यक्ति होता है वो कोई कहीं से भी, उसका हमारी भाजपा में जैसे आस्था हुई उसके नियमों में उसकी आस्था हुई, हमारा सिस्टम हमारी नीति रीति की को उन्होंने जाना, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जाना, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को जाना, तो आए तो उनका स्वागत है। योग्य व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और जनता उसका फैसला करती है। ये थे मेरे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बिशंबर बाल्मीकि। इन्होंने बताया कि पेंशन घोटाले में जो भी अधिकारी संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।